वेलकम टू टेली डिजिटल क्लास। दोस्तों फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों देखते ही आपको थंबनेल पे पता चल गया होगा कि आज का इस वीडियो हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले मतलब इसका पहला जो वीडियो मैंने बनाया था वो 2018 का था और आज का जो वीडियो है वो 2016 का है। और इसके आने वाले समय में मतलब फ्यूचर में इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो किसकी होगी 2017 की। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा ले। और ये वीडियो अच्छी लगती वीडियो शुरू करने से पहले मेरे को पता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगने वाली है तो पहले से इस वीडियो को लाइक कर दे और इम्पोर्टेंट लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आज के इस वीडियो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आज का इस वीडियो हमारे लिए 2016 का है और सैम फाई के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताता हूँ ये 2016 का सम है। मैं आज आपको सम नंबर 2 के बारे में आज बता देता हूँ। तो सम नंबर 2 किसके लिए है तो देख लेते हैं कि यहाँ पर नाणा के हिसाबों कंपनी ने नाणा के हिसाबों पर से ले और ये हमें कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है और इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी विगत हमें यहाँ पर दी है और नीचे बोला गया है चालू गुणोत्तर, संचालन गुणोत्तर, कुल रोकाइली मूड़ी, देवादर गुणोत्तर, शेयर होल्डर न वर्तनो दर, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है। ये चैप्टर नंबर 3 रोका ये रोकड़ ना हिसाबों इसका दाखला है, इसका सम है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। कर विरान दर 35%, गुजरात लिमिटेड 25% वेचाण से रोकाण करे छे, रोकड़ थी वेचाण करे छे, 60% वेचाण उधार थाय छे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ये रकम विगत और रकम और रकम ये आपको खाता बना लेना है और इसके पहले और ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। जो फॉर्मेट है वो आपको याद होना चाहिए। तो इसके पहले मैंने वीडियोज़ मतलब थोड़ी एक आध महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस फॉर्मेट कैसे बनता है और कौन कौन सी विगत को इसमें ज़रूर पड़ती है। तो उसका लिंक मैं आई बटन पर ऊपर दे दूँगा तो आप उसे देखना ना भूलें। और ये फॉर्मेट आपको याद हो गया होगा मैं ऐसा मानकर आगे वीडियो को बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले है शेयर होल्डरों मेन मेन पॉइंट जो है वो आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले शेयर होल्डर और मालिक ने भंडारो लांबा गणा नी लोन मूडी नु रोकाण और अवास्तविक मिलकत हो कायमी मिलकत रोकाण चालू मिलकत चालू देवाना अवास्तविक मिलकत हो ये सब विगत हो हमें यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले इसमें आपको अमुक फिर क्या होता है कि आपको सीधा से जैसा हमें फॉर्मेट बनाना है वैसा फॉर्मेट दिया होता है लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ नहीं है। मतलब पूरा बैलेंस शीट और वो प्रॉफिट ऑन लेस दोनों अकाउंट हमें यहाँ पर मर्ज करके दे दिया है। तो हमें अगर हमें फॉर्मेट याद है तो हमें बहुत ईजी रहेगा। तो अब सबसे पहले इक्विटी शेयर मूड़ी ना मालिक ना भंडोड़ो तो उसमें क्या होगा कौन कौन सी विगत आती है तो इक्विटी शेयर मूड़ी, इक्विटी शेयर मूड़ी के बाद अगर हम देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर मूड़ी हमें दी है कि नहीं दी है वो हमें यहाँ पर देख लेना है एक बार। तो इक्विटी शेयर मूड़ी की जो भी रकम है वो हम यहाँ पर से लिख लेते हैं। जो रकम हमें यहाँ पर दी है वो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर 1,00,000 हमें इक्विटी शेयर मूड़ी दी है। सॉरी दोस्तों ये ऊपर वाला सम नहीं था हमारा, ये वाला सम नहीं है, इसके अथवा में एक सम दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो प्रिंस लिमिटेड का ये सम है, प्रिंस लिमिटेड का सम है और ये सब इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है। फटाफट मैं दाखिले को पूरे करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है इक्विटी शेयर मूड़ी और प्रेफरेंस शेयर मूड़ी। तो इक्विटी शेयर मूड़ी हमें 1,00,000 दी है और प्रेफरेंस शेयर मूड़ी कितनी दी है 5,00,000 दी है। तो इक्विटी शेयर मूड़ी हमने 1,00,000 और प्रेफरेंस शेयर मूड़ी 5,00,000 हमने यहाँ पर लिख ली। और इसके बाद अब हमें यहाँ पर देखना है कि शेयर होल्डर और भंडोड़ में कौन कौन सी
चीज़ें यहाँ पर ऐड होती है। तो ये वाली एक तो होगी राखी मुकेल कमाड़ी। राखी मुकेल मतलब क्या हुआ, अनामत। ये राखी मुकेल को हम क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, अनामत। तो अनामत कितनी है, 2,50,000 की हमें यहाँ पर अनामत है। तो 2,50,000 मैंने यहाँ पर लिख दी। तो इसके बाद टोटल हम इसका सरवाड़ा कर लेते हैं, तो 70,50,000 हमारा यहाँ पर टोटल हो जाएगा। इसके बाद आता है लांबा गाड़ानी लोन। लांबा गाड़ानी लोन में क्या क्या आता है वो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि लांबा गाड़ानी लोन 10% डिबेंचर और 10% लांबा गाड़ानी लोन। तो 1,50,000 और 1,00,000, तो 1,50,000 और 1,00,000 दोनों का सरवाड़ा कर दिया हमने। तो यहाँ पर आ गया 2,50,000। अब 17,50,000 प्लस 2,50,000, तो हमारा कितना आया, 20,00,000। ठीक है, ये क्या मिला हमें, कुल रोकाइली मूड़ी। अब क्या करना है हमें, मूड़ी ने रोकाण या तो फिर इसको मिलकत भी बोल सकते हैं, मिलकत लेना बाजू। तो इसमें कायमी मिलकत, कायमी मिलकत में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो आपको याद होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कायमी मिलकत में कौन कौन सा आता है। तो कायमी मिलकत सीधी हमें यहाँ पर दे दी, अगर नहीं दी होती तो हमें ढूंढना होता कि कौन सी मिलकत को कायमी मिलकत कहते हैं। तो कितनी दी है, 17,50,000 हमें यहाँ पर दे दी है। तो हमने सीधे सीधे 17,50,000 हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद आता है रोकाणों। तो हम देखते हैं कि रोकाणों हमारे पास कुछ दिया हुआ है या नहीं दिए। तो रोकाणों देख लेते हैं कि रोकाणों हमें यहाँ पर कुछ उसकी विगत विगत नहीं दी। हम यहाँ पर भी नीचे भी आपको देख लेना है कि रोकाणों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं दी। तो नहीं दी, तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि चालू मिलकत। तो चालू मिलकत में आपको पता होना चाहिए कि चालू मिलकत किसे कहते हैं और चालू मिलकत में क्या क्या आता है। तो चालू मिलकत में देवादारों ने लेनी उंडी ने वो सब आता है। तो यहाँ पर हमें देख लेते हैं कि चालू मिलकत हमें यहाँ पर टोटल दे दी है 7,50,000। तो हम यहाँ पर 7,50,000 सीधे की सीधी हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर जो आपको याद हो, ध्यान देने की। जो चालू मिलकत दी है उसमें से हमें माइनस करना होता है चालू देवा। तो चालू में से, चालू मिलकत में से हम चालू देवा को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 2,00,000 बचा। और इसके बाद एक लास्ट एंड लास्ट विगत है अवास्तविक मिलकत हो। तो अवास्तविक मिलकत हो यहाँ पर देखते हैं कि अवास्तविक मिलकत तो हमें 50,000 दी हुई है। तो अवास्तविक मिलकत में, अवास्तविक मिलकत हमें यहाँ पर 50,000 दे दिए। तो मैंने आपको बोला था कि ये यहाँ पर एक ट्विस्ट है वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो ट्विस्ट है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको एक बात पता होगी कि बैलेंस शीट जो बनती है वो मूड़ी देवा और मिलकत लेना दोनों का टोटल सेम होता है। ठीक है, तो हमें अभी फ़िलहाल हमारे पास ये दो विगत नहीं है, ये और ये दो विगत हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 17,50,000 पहले तो हम यहाँ पर 20,00,000 लिख लेते हैं। और हमारे पास एक ये विगत है और एक ये विगत है। ठीक है, तो 17,50,000 प्लस 50,000 तो कितने हो गए, 18,00,000। अब बचे कितने, 20,00,000 में तो 2,00,000 हमारे पास खुट्टे हैं। तो 2,00,000 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 2,00,000 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये वाली रकम, ये वाली जो रकम है वो कहाँ से आएगी, तो इसको चालू मिलकत में से चालू देवा को माइनस करेंगे तो हमें 2,00,000 यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी तो हमारे पास चालू देवा है नहीं, तो अब क्या करेंगे कि 2,00,000 में से 7,50,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये 5,50,000 आ जाएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट था जो आपको याद होना, याद रखना ज़रूरी था। तो फिर इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। ठीक है,